नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर विदिशा से है, जहां लगातार सुर्खियों में रहने वाले शमशाबाद और महानीम चौराहे की शराब दुकानों पर शमशाबाद तहसीलदार दीपक द्विवेदी ने दल बल के साथ दुकान का निरीक्षण किया, जिसमें अनेक खामियां निकलकर सामने आई हैं। उपस्थित ग्राहकों ने बताया कि शराब प्रिंट रेट से 10 रुपये से लेकर 50 रुपये महंगी बेची जा रही है। ग्राहक जब मोल भाव करते हैं तो दुकानदार के कर्मचारियों द्वारा गाली गलौज की जाती है। दिलचस्प बात तो ये है कि ग्राहकों के लिए दुकान पर कोई रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है। रेट लिस्ट गद्दीदार के दराज में रखी पाई गई व बयानों के आधार पर पंचनामा बनाया गया। प्रतिवेदन बनाकर दुकानदार पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई, साथ ही निरीक्षण के दौरान कई खामियां भी मिली। शमशाबाद स्थित ये अंग्रेजी देसी शराब की दुकान में औचक निरीक्षण किया गया। अनुभागीय अधिकारी महोदय के निर्देशन पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसका पंचनामा बनाया गया है। उक्त पंचनामा के आधार पे प्रतिवेदन प्रेषित किया जाएगा। सर, यहाँ पर ये भी पाया गया है लोगों द्वारा कि ये महंगी शराब बेची जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पे कई कुछ ग्राहकों के द्वारा यह भी शिकायत की गई है कि जो तय रेट है उससे अधिक कीमत पर यहाँ पे शराब बेची जा रही है, जिसका एक पंचनामा बनाया गया है। पंचनामा के आधार पे कार्रवाई होगी। सर, दूसरी एक और शिकायत है ग्राहकों की, ये टाइम से ओवर भी खोलते हैं और पहले भी खोलते हैं और सामान को महंगा बेचते हैं। बिल्कुल, जितनी सभी प्रकार की शिकायतों का पंचनामा ले लिया गया है और इस पे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, प्रतिवेदन भेजा जाएगा। कहाँ रहती है? शमशाबाद। क्या हुआ यहाँ? यहाँ पे हुआ है कि 110 की चीज, वो 100 की चीज, वो 110 में बेच रहा है। कितने दिन से चल रहा है जो अपना जब कलाज नहीं खुली, जब से जो चल रहा है। अच्छा, आज यहाँ क्या कार्रवाई हुई? आज कुछ कार्रवाई हो रही है तो अपना कार्रवाई अंदर साफ रहेंगे। हाँ। कर रहे हैं कार्रवाई। आपने आपसे क्या पूछा, क्या बोला आपने? हमसे बोला, जय बोला था कि कितना का मिल रहा है। हमने कहा सर 110 का मिल रही है लाल का। वो भैंस कितने का मिलता था? भैंस मिलता था 100 का, यानी 20 रुपये तेज भैंस। 20 रुपये तेज। मेरा नाम गुलाब सिंह हेरवार है साहब। क्या कुछ हुआ है यहाँ पे, कितने महंगे रेट? जहाँ महंगे रेट ये हैं साहब, सुबह यहाँ 6 बजे तो जहाँ 130 रुपया लाल को देते हैं और 120 को सफेद को देते हैं, तो कलारी नहीं खुले जी इस पहला। और इसके बाद आते हैं अपन तो 110 को लाल और 90 को सफेद। और दादागिरी बताना साहब, कर रहे हो जहाँ हमारे भी। अच्छा, इनसे कहते हैं रेट महंगा बेच रहा, फिर क्या करते हैं? पुलिस में बंद करवा देंगे। हाँ, ये धमकी बताओ साहब, हम गरीब हैंगे, हम डरा कर जाओ। कब से बेच रहा है ये? ये जब जो टेंडर हुआ, जब से ही हो रहा हो काम। ये जब से कलारी खुली, जब से जो काम हो रहा, ऐसे ही चल रही साहब। मुख्य रूप से औचक निरीक्षण दौरान ये पाया गया कि कुछ ग्राहकों की शिकायत पाई गई कि रेट लिस्ट से ज्यादा देते हैं। और हमने भी देखा जो दूसरी क्वार्टर है, इस पर रेट 100 रुपये लिखी है और वो उसको 110 में बेचना पाया गया। सर, इसका स्टॉक में जो जांच किया है क्या मिला? स्टॉक यहाँ पे एक तो नौकरनामा नहीं है इन लोगों के पास, दूसरी बात इन पे कोई रेट लिस्ट नहीं है तथा समय का भी कोई बोर्ड वगैरह ऐसा नहीं है कि कब तक, कब से कब खुला जाएगा। इसके प्रति प्रतिबंध दिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और क्या दिक्कत है यहाँ? मेरा नाम राकेश है साहब, और मैं यहाँ पर डेली आता हूँ साहब। 100 की चीज 110 रुपये में देते हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी है साहब, जैसे कि अपन अपने पास खुला नहीं है। हाँ। तो ये लोग भगा देते हैं साहब। हाँ। एक तो ये पहले ही महंगी दे रहे हैं और इसके बावजूद हमसे खुला पैसे मांगते हैं। अच्छा, और क्या दादागिरी बता रहे हैं साहब? दादागिरी बता दें, खुले लेके। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता प्रयास की रिपोर्ट। अब देखा जाए तो प्रशासन को लगातार ऐसी ही शिकायतें कई दिनों से शराब दुकानदार के खिलाफ मिल रही थीं, जिसमें ग्राहकों के बयान पर आज कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी विदिशा जिले के कई दुकानों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। शराब ठेकेदार ने पूरे विदिशा जिले के कई शराब ठेके नजर में लिए। अब प्रशासन शराब ठेकेदार की मनमानी पर लगाम लगाने की तैयारी कर चुका है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।